How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Hi everyone, namaste and welcome to my channel, and I am vlogging today. तो आज बहुत ही लंबा दिन है, मतलब आज मेरे काफ़ी सारे जो टास्क हैं वो डिसाइडेड हैं. मतलब एक जो टू डू लिस्ट है वो मेरी कल ही बन गई थी कि मुझे आज स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें करनी है. तो मुझे आज काफ़ी सारे शूट्स करने हैं, मतलब दो तो शूट करना ही करना है, दो वीडियो फिल्म करना है, और एक ये जो ब्लॉग चल रहा है ये चल ही रहा है, एंड साथ ही साथ मुझे एक एडिट भी करना है आज ही. एंड आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्योंकि मौसम अच्छा है तो काम करना अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती है. तो अभी वही सुबह के काम करना स्टार्ट करती हूँ. आज कुकिंग करने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ बनाने का वो जो था ना सोया चंक, तो वो मैं बनाने वाली हूँ सोया चंक. उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, साथ ही साथ दो वीडियो शूट करेंगे, एडिट करेंगे, पूरा दिन का शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ आज मैं. तो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द डे. और विक्की अपना वर्कआउट कर रहा है. विक्की ऐसे डेली वर्कआउट तो नहीं करता है, बट हफ्ते में कितने दिन करते हो? दस दिन. बहुत प्राउडली बता रहे हो. yes. किचन ऑलरेडी क्लीन है, बट थोड़े से बर्तन है, तो बर्तनों की ड्यूटी एज यू ऑल नो दैट विक्की की रहती है. जो चार पांच बर्तन पड़े हुए हैं वो कर लेना, और मैं तब तक वैक्यूम कर रही हूँ. फिर मुझे पूरा खाना भी बनाना है. फॉर योर काइंडनेस. नहीं करूंगा मैं. क्यों? मेरे हाथों की देख लकीरें मिट गई हैं बर्तन बांध बांध के. कहां जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने चला था, कहां पर कुछ नहीं बन पाऊंगा अब तक. पूरे बर्तन बांध बांध के हाथों की लकीर मिट गई है. सुनो, दिखाना जरा. तो फेंकना तो कम थोड़ा. पहले डार्क थी, लाइट हो गई है घिस घिस के. हाँ, कितने महीने से बर्तन कर रहे हो? चार साल से. ये फेंक रहा है. हाँ, अपने आती नहीं थी ना काम करने के लिए, तो कोई भी दो महीने में मिट गई. चार साल से कर रहा होता पता चला हाथ ही ब्लैंक हो गया होता. कोई नहीं. विक्की की जो नौटंकीज होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं. ये इससे डबल नौटंकी करता है, ये मेरा गुरु है, मैं इसी से सीखती हूँ एक्टिंग करना. लेकिन मेरी नौटंकी में मेरे पैसे नहीं काटे जाते, इसके बहुत पैसे काटते. नहीं, ये ओवर एक्टिंग करता है, इसकी मैं 500 रुपए काटती हूँ. ऐसे तो सब चलता रहेगा. हाँ, तो मैं फटाफट से पहले क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ. तो समटाइम्स माय स्किन फील्स अ लिटिल डल, और स्पेशली जब ये वेदर चेंज होता है तब मुझे मेरी स्किन ज़्यादा डल लगने लगती है. एक तो उसका रीज़न ये है कि वेदर चेंज होता है तो ऑब्वियसली वो स्किन पर थोड़ा सा इफेक्ट करता है, एंड दूसरा रीज़न ये है कि आई हैव एक्नेज इशूज़. तो यू नो, एक्ने जब जाता है तो वो हमेशा एक डार्क स्पॉट छोड़ करके जाता ही जाता है. सो आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों को भी कुछ ना कुछ कंसर्न होते होंगे, लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, ये सारी चीज़ें. मैं यहाँ पर पिछले 2 वीक से यूज कर रही हूँ लमका मैंडरीन एंड विटामिन सी 15% सीरम. ये आपके सभी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा बिना मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करे. इसमें जो पैकेजिंग है, इसमें इन्होंने एम्बर एंड डार्क बॉटल को चूज किया है इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड इसका जो पोटेंट है वो इसके अंदर रिमेन रहे एंड इफेक्टिव रहे. ये देखिए, स्मूथ टेक्सचर है सीरम का. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि ये वाला जो स्किन है वो कितना ग्लोई एंड हाइड्रेटेड लग रहा है, एंड ये कैसा लग रहा है डल डल सा. इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 15% एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड. ये क्विक अब्सॉर्बिंग डेरिवेटिव है विच कंटेन्स 86% एक्टिव विटामिन सी. इसके अंदर जापानीज मैंडरिन है जो कि विटामिन सी की परफॉर्मेंस और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है. इसमें काकाडू प्लम है, ये फॉलिक एसिड विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है. इसमें बीटेन है फॉर हाइड्रेशन एंड रोज एक्सट्रैक्ट है फॉर स्किन सूदिंग. इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्रेग्रेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स ऐड नहीं किया है. ये 100% वीगन, पैराबेन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है. तो मैं आपको बताती हूँ विटामिन सी के बेनिफिट्स क्या होते हैं आपकी रूटीन में. सन डैमेज से फाइट करता है, उसको रिपेयर करता है.
कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जिससे आपकी स्किन और यूथफुल लगती है। एक्ने स्पॉट और डलनेस को ये फेड करता है। ये सनस्क्रीन का बूस्टर होता है। इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस, मतलब आपको ये इंस्टेंट ग्लो तो देता ही देता है। मैंने अपना हैशटैग सी द ग्लो चैलेंज लिया है जिसमें मैंने इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट 2 वीक्स तक ट्राई किया है। तो एकदम से ऐसा नहीं कि आप सोचोगे आपकी स्किन बिल्कुल 4 दिनों में बहुत वैसी हो जाएगी, आपको इसको कंटिन्यूस ट्राई करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर इंस्टेंट आपको ग्लो तो जरूर डिफरेंस दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंड धीरे धीरे करके आपके जो एक्ने मार्क्स हैं वो भी फेड अवे हो जाएंगे। यूजिंग दिस माय स्किन टेक्सचर लुक्स क्वाइट स्मूथ, मेरे जो एक्ने मार्क्स हैं वो फेड अवे हुए हैं। माय स्किन लुक्स मोर ब्राइटर एंड शाइनियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरी स्किन काफी हाइड्रेटेड लग रही है, जैसे मैंने बहुत सारा पानी पिया हो या बहुत सारे शीट मास्क यूज करे हो, वैसी मेरी स्किन लग रही है। हाईली रेकमेंडेड दिस प्रोडक्ट, आपके बेसिक जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करेगा और आपकी स्किन को एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो देगा। और दिस सीरम के बाद आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना होगा। एंड अगर आप पीएम में अप्लाई करें तो आप नॉर्मल क्लेंस करिए अपने फेस को एंड विटामिन सी लगाइए, तो आपको बहुत सारे लेयर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो स्क्रीन पे दिया हुआ अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दिस न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स बाय प्लम की वेबसाइट पर। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे दूंगी। सो यस, अब हम चलते हैं कुकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी कुकिंग बची है पूरी पूरी और मैं अपनी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से सोया चंक को पानी में डाल दिया है और उसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको बॉईल करूँगी एटलीस्ट फॉर 20-25 मिनट्स तक। एंड जब ये बॉईल हो जाएगा और ठंडे हो जाएंगे तब हम थोड़ा सा इसमें देखिए ऐसे पानी को निकालना होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर इसमें पानी रहेगा तो इसके अंदर मसाला नहीं जाएगा। उसके बाद हमने एक पैन गरम किया, उसमें ऑयल ऐड किया और यहाँ पर हम ज़ीरा डाल देंगे और अनियंस को मैंने चॉप किया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है, तो अनियन डाल देंगे। अभी अनियन में मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची नहीं डाली हुई है, सिर्फ अनियन ही है। और देखिए इस कलर में चेंज कर देना है आपको, अनियन को अच्छा कुक कर लेना है। उसके बाद टमाटो की प्योरी डाली है, इस प्योरी में मैंने अदरक लहसुन एंड ग्रीन चिलीज डाली है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, ये मैंने ऐड कर दिया है। मैं रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, जितना आप तीखा खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, बट हमने ऑलरेडी हरी जो ग्रीन चिलीज होती हैं वो डाल दिया था इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया है। अब इसको अच्छे से कुक कर लेना है पूरे मसाले को। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पानी लिया है सॉस पैन में एंड उसमें जो चाय पत्ती होती है वो बॉयल करने के लिए रख दी है फॉर 5 मिनट्स। अब जब ये मसाला अच्छे से कुक हो जाता है तो यहाँ पर हमने जो सोया चंक हमने ड्राई करे थे उसको हमने इसमें डाल दिया है एंड 2 मिनट्स के लिए इसको कुक होने देना है ताकि जो मसाला है वो सोया चंक के अंदर चला जाए। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने पानी बॉईल किया था चाय पत्ती का वो हम इसमें डाल देंगे, नॉर्मल वाटर नहीं डालेंगे हम, यही वाला जो वाटर है वो ऐड करेंगे। एंड बस अब इसके ऊपर हमको कुछ नहीं करना है, हमको थोड़ा सा कुक करने देना है 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने कस्तूरी जो मेथी होती है वो डाल दी है थोड़ी सी, उसको सेक करके तवे पे। एंड बस हमारा हो गया है, 2-3 मिनट और कुक कर दीजिए एंड आपका जो सोया चंक है वो रेडी है। काफ़ी जल्दी बन जाता है, गरम गरम घी लगी हुई रोटियों के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। एंड जिसकी रेसिपी मैंने ये देखी थी उनकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, और ये मेरा सोर्स नहीं था रेसिपी का। सो यस, तो अब लास्ट में मैं यहाँ पर फ्रेशली चॉप्ड धनिया ऐड कर रही हूँ, एकदम ग्रीन ग्रीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये एंड काफ़ी टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। एंड प्लीज़ थोड़ा सा जो बैकग्राउंड में गंदगी दिख रही है रोटी वाली वो अवॉइड करिएगा, मैं एंड में सारी क्लीनिंग करती हूँ। और बस जब मेरा कुकिंग हो जाता है उसके बाद देन मैं फटाफट साथ के साथ ही जो पूरा गैस है वो क्लीन कर लेती हूँ ताकि शाम को जब मैं वापस से आऊँ ये सब कुकिंग वगैरह करने के लिए तो गैस एकदम गंदा सा ना दिखे। गाइस, तो अभी मैंने शावर वगैरह सब ले लिया है और आज मैंने हेयर वॉश किया है बिकॉज मुझे शूट करना है। और अभी ना एकदम डल वेदर हो रहा था बट अभी फिर से थोड़ी धूप आ गई है, रोशनी आ गई है, तो रूम में काफ़ी रोशनी आ गई है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू यू नो शूट माय वीडियो। अभी बज रहा है 1 बज, मतलब 1 ऑलमोस्ट बजने वाला है, तो मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि मतलब 4 बजे तक एनी हाउ अपनी जो शूटिंग वाला पार्ट है वो ख़त्म करना ही करना है। मुझे लगता है एक्सटेंड हो सकता है बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ क्योंकि ट्राई ऑन है और
ट्राई ऑन में ना टाइम लगता है, पहले आपको पूरा सिट डाउन वीडियो बनाना पड़ता है, फिर वो बनाने के बाद एक 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 क्लोज आप ट्राई करते हो, वीडियो लेते हो ट्राई करते हो वीडियो लेते हो, उसमें टाइम लग जाता है। कैमरा मैंने अपना निकाल लिया है जिसमें मैं सिट डाउन वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ। तो आज जो मैंने टॉप निकाला है ना, वो मैंने ये वाला प्लेन ब्लू कलर का टॉप निकाला है। बैकग्राउंड में मैं कॉन्ट्रास्ट में वही ये येलो कलर का पूफ रखने वाली हूँ एंड थोड़ी ग्रीनरी भी ऐड करूंगी, सो आई हैव टू मेक श्योर थोड़ा बैकग्राउंड ठीक लगे। तो जब तक मेरे बाल ड्राई होंगे, अभी बाल काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, तो मैं तब तक अपना जो भी बैकग्राउंड वगैरह है, जो क्लोथ में आयनिंग वगैरह करनी है, वो सारी चीज़ें मैं सेट कर लेती हूँ। ओके, सो जो कैमरा सेटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, परफेक्टली सब कुछ सेट हो गया है। अब लाइट्स वगैरह मैं बाद में सेट करूंगी, बट पहले मैं रेडी होंगी। वैसे तो मैं काफ़ी हद तक काफ़ी सारा रेडी हो चुकी हूँ, और मैं भूल गई थी, मुझे लगा कि मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सिर्फ शूट करना है। फिर मुझे याद आया ओशन में भी व्लॉगिंग चल रही, तो मैं रेडी ऐसी हो गई बिना कैमरा ऑन करे। मैं अपने बालों को थोड़ा सा वो किया है, स्टाइल किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्टाइल किया ना तो ये हीट की वजह से थोड़े से ड्राई लग रहे हैं, आई डोंट नो। मस्कारा बचा हुआ है वो लगा लेती हूँ, और ये विदाउट मस्कारा वाली आईज है एंड ये विथ। Done with my eye makeup, lipstick. और लगाना है तो lipstick मैं हमेशा top पहनने के बाद लगाती हूँ, कि मुझे light लगाना है, dark लगाना है, जो भी है, तो मैं change करके मिलती हूँ आप लोगों से। Okay guys, तो मेरा जो setup है वो पूरी तरह से हो चुका है। ये रहा my setup and पीछे ये नीचे की सच्चाई, सारा सामान मैंने ले रखा है, और कैमरे की जो स्क्रीन है वो सिर्फ इतनी ही दिख रही है। तो इस तरह से कैमरे की जो स्क्रीन है वो सिर्फ इतनी ही दिख रही है। यहाँ पर साइड में ये है मेरा मिरर, अगर मुझे खुद को ही देखना होता है कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही, तो मैं यहीं बैठ करके देखती हूँ। तो यस, अब मैं फटाफट से वीडियो शूट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। देखना पड़ता है कि अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बाल वाल सब परफेक्ट है कि नहीं है, तो सब कुछ काफ़ी परफेक्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। ओके गाइस, तो अभी मेरा एक वीडियो शूट हुआ है, मुझे कितना हो गया, आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। अब मैं आपको अपने लिपस्टिक का हालत बताती हूँ। मैंने लगाई थी ये रूबी वू, दिस इज फ्रॉम मैक एंड सी दिस। सिर्फ आधे घंटे में बोलने में मेरी ये लिपस्टिक रिमूव हो गई, मतलब इतनी वाहियात लिपस्टिक है। तो चलो मैं वीडियो बना रही, तो मैंने टचअप कर लिया। कहीं ऐसे बाहर ऐसी लिपस्टिक को लगा करके जाओ, कितना गंदा लगेगा कि यहाँ पर आपका लिप का कलर दिख रहा है या लिपस्टिक इतनी डार्क दिख रही है, कितनी गंदी लगेगी। मतलब नेवर नेवर एवर रिकमेंडेड, मतलब ये मेरा रिग्रेट बाइंग है 1700-1600। अब तो इसका प्राइस बढ़ा दिया ना, रिग्रेट बाइंग। मैक की लिपस्टिक्स नो, अ बिग नो नो नो। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने थंबनेल की पिक्चर्स ले रही हूँ, तो पहले मैं इसको मोबाइल से कनेक्ट करूँगी, क्योंकि भाई थंबनेल लेने वाली भी मैं ही हूँ, सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ। अच्छा देखो, ये जो पड़ा हुआ है लॉट, अभी इसको मुझे पेन पेन के देखना है। इसमें मैंने एक जीन्स दिखाई है जो कि मैं रिटर्न करने वाली हूँ, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी जीन्स की मैं बात कर रही थी। कहाँ चला गया ऐप? नाउ शूटिंग फॉर वीडियो नंबर 2, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बज गया है 3:10, तो मैं वीडियो नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, नमस्ते। डन विद द वीडियो नंबर 2, और अब मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ सेकेंड वीडियो के थंबनेल के लिए, तो मैं साथ के साथ ही पिक्चर्स भी क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या थंबनेल हमको डालना है, तो वैसा। और जो फर्स्ट हॉल में मैंने टॉप बताया ना, वो टॉप मैंने पहन भी लिया, काफी प्यारा सा लग रहा है। और ये टॉप
ओके गाइस, तो सारे वीडियोस का शूट हो चुका है, मतलब जो सिटिंग वीडियो होता है वो शूट हो चुका है. अभी टाइम हो रखा है और 4:35 हो रहा है. अब मुझे फटाफट से एक घंटे के अंदर अंदर ये सब मतलब जो ट्राई ऑन है वो शूट करना है और सॉर्ट आउट पैकअप करना है. 7 बजे से पहले मुझे फ्री होना है एनी हाउ, क्योंकि मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करना है. क्योंकि क्या हुआ था ना, लास्ट मंथ कुछ वीडियोस करे, ब्रांड वीडियोस ऐसे करे नहीं थे, सिर्फ 2 ब्रांड वीडियोस करे थे मैंने लास्ट मंथ. तो और मैंने ऐसा बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट मंथ करूंगी, तो इस मंथ मेरे सर पे आ गया है सब कुछ. ओके गाइस, सो आई एम डन विथ माई शूटिंग एंड अब आती है असली काम की बारी. मतलब ये सबको सॉर्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और चलो एक बार इनको फोल्ड करना तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अब इनको फोल्ड करने के बाद जगह बनाना वार्डरोब में उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो ओके, सो दिस इज द वॉच जिसको की बोलते हैं. तो इस की को आपको थोड़ा सा ओपन कर लेना है. अब देखिए, जैसे कि ये जो घुमाने वाला की है ना, आपको इसको ओपन कर लेना होता है. तो ओपन आपने कर दिया, अब ये बंद हो गई है वॉच, ठीक है. अब आप इसको अपने स्टोर करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है जो बैटरी होती है ना वो पानी छोड़ देती है, मॉइस्चर घुस जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपकी जो वॉच है उसकी मशीन खराब हो सकती है. तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वाली जो वॉच है, आप देखिए ये बंद पड़ी हुई है. तो ये बंद नहीं है, जब भी मुझे इनको यूज करना होता है मैं प्रॉपर सेट करती हूँ. और इसको क्योंकि रोज रोज तो पहनते हैं नहीं, इससे क्या होता है इनकी बैटरी बहुत लॉन्ग लग रही है. 5-5, 6-6 साल आपकी इसकी बैटरी चलेगी, क्योंकि ये सब रखी रहती है ना तो खराब हो जाएंगी. इससे बेटर है कि इसको आप इस तरह से अगर ये था आज का फ्री का ज्ञान. अब हम वापस से चले जाते हैं कामों पे. Surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. ओके गाइस, तो अभी बच गए हैं 7 और अब मैं बैठूंगी एडिटिंग करने के लिए. एक्चुअली मुझे क्योंकि पता था कि आज लंबा दिन है, सो एंड हाँ, बाय द वे ये जो मेरी आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने मस्कारा लगाया था, ये अभी तक निकला नहीं है. और मेरे पास इतना हार्श मेकअप रिमूवर कोई है नहीं जो इस मस्कारा को निकाल सके. मैंने लगाया था बेनिफिट का और लिटरली उसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी जलन जो जाती है ना, वो बर्निंग वाला टाइप का हो रखा है. क्योंकि अभी मैं बैठ रही हूँ एडिटिंग करने के लिए. सो कुकिंग वाला प्रोसेस ये था कि मुझे पता था कि आज मेरा लंबा दिन होने वाला है, तो जब मैं कुकिंग का टाइम आ गया था फटाफट से सिर्फ राइस बनाऊंगी. आज कुक एडिटिंग करके भी ख़त्म करना है, तो 2 वीडियो शूट हो गए हैं, व्लॉग एक चल ही रहा है और अब मैं बैठती हूँ एडिटिंग करने के लिए. एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि 8:30 तक एनी हाउ मुझे अपना एक वीडियो एडिट करना है. ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रखा है, अंधेरा हो गया पूरा, टाइम हो रखा है 7:45. तो 7:30 से 8 बजे के बीच में हम लोग डिनर कर लेते हैं. तो अभी ये है हमारा खाना. खाना हम लोग यहाँ पर बैठ करके खाने वाले हैं और साथ में कोई वेब सीरीज देखेंगे. वो अभी अपनी वो चल रही है, क्या नाम है उसका, सुनील ग्रोवर की सनफ्लावर. मजा आ गया शुरू के 3-4 एपिसोड में, तो इतना मजा आया है. मतलब थोड़ी स्लो हो गई है बाकी, बट जो एक्टिंग करी है ना, मतलब कंसेप्ट भी, हाँ वो मैंने पहली बार अपने लाइफ में आई थिंक कॉमेडी सस्पेंस एक साथ देखा है. सुनील ग्रोवर ने क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करी है, मजा आ गया देख करके. मतलब एंटरटेनिंग है और बहुत एंगेजिंग है और आपको उनको शक्ल देख के हंसी आने लगेगी. मतलब मुझे तो शक्ल देख के हंसी आ जाती है. तो आईपैड लेके आ गई हूँ, देखते देखते खाना खाएंगे. और अभी तक मेरी वीडियो की स्टार्टिंग नहीं हुई है क्योंकि मैं MOU साइन करने में दूसरी चीज दूसरी उसी उन्हीं सब चीज़ों में अटकी हुई हूँ. और 7:45 हो चुके हैं, मैंने 8:30 का टारगेट रखा था,
बट कोई नहीं, अभी मैं आज थोड़ा लेट तक बैठूंगी, 9:30 बजे तक, बट काम खत्म करके ही उठूंगी, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये कल लाइव जाना है. और पीछे का व्यू, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है वैसे, इसलिए आपको ऐसे ब्लू ब्लू दिख रहा होगा काफ़ी. सी दैट हाउ ब्यूटिफुल, हाँ ये देखिए बड़ा ही सुंदर लग रहा है. बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की. ओके गाइस, आई एम डन विद माय डिनर और अभी बज गए हैं 8:05 हो गया है. मैं फटाफट से अब बैठती हूँ एडिटिंग करने के लिए और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. मेरा वीडियो है वो खत्म हो चुका है जो एडिट कर रही थी और अब मेरी हालत आप देख सकते हो. तो मैं बस अब सोना चाहती हूँ बिकॉज इट्स 10:30 ऑलरेडी. 10 बजे ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, बट अभी मैं थंबनेल भी बना रही हूँ ताकि कल मुझे ज़्यादा कुछ काम ना रहे. मतलब कल भी मेरे को दूसरा काम है, कल मुझे एक और वीडियो फिल्म करना है. आई एम सो सॉरी, कल मुझे एक और वीडियो फिल्म करना है और एक वीडियो एडिट भी करना है. तो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों अभी फटाफट काम कर रही हूँ. 10 डेज के बाद मैं किसी और चीज़ में उलझने वाली हूँ, बहुत गंदा वाला. तो तब मैं पूरा एक हफ्ता या 10 दिन थोड़ा ऑक्यूपाई रहने वाली हूँ दूसरी चीज़ों में. तो इसलिए मैं अपना जो पेंडिंग काम है वो सब अभी फटाफट ख़त्म कर रही हूँ ताकि तब वो जो काम करूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए. सो यस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल सुबह. अभी तो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, कल सुबह मैं आपसे फ्रेश मूड में बात करती हूँ. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. और आज कल का ब्लॉग ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. और अभी जस्ट बारिश ख़त्म हुई है, मतलब बारिश हो रही थी अभी बंद हुई है और एकदम से मौसम जो है वो क्लीन हो गया है, मतलब क्लियर हो गया है. और ऐसा धूप धूप जैसा लग रहा है कि शायद धूप आ रही है. मतलब अभी अभी कैसी बारिश हो रही है मुंबई में, ऐसे कंटिन्यूस वाला नहीं चालू हुआ है, लेकिन आज दिन भर में एक बार तो थोड़ा बहुत गिर के चला जाता है. एंड समटाइम्स गिरने के बाद एकदम धूप भी बहुत तेज़ आ जाती है, तो वैसा वेदर हो रखा है. तो अभी मैंने जस्ट बोला एंड बारिश स्टार्ट हो गई है. लुक एट दिस, इससे कितना ज़्यादा, ये जो ड्राई किया है ना मैंने, इससे कितना सारा फॉल आउट्स होता है. दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, ये दिख रहा है, ये उड़े मैंने क्योंकि फ़ैन ऑन किया है. तो ये सारा फॉल आउट है जो कि इससे गिरता है और हमेशा गिरता है. दिस इज़ हाउ आई कीप माई बेडशीट्स. यहाँ पर सारी बेडशीट्स रखी हुई हैं, ये अभी तक एक और बेडशीट है जो पैक रखी हुई है. और यहाँ पर मेरे सारे कर्टेंस, कुशन कवर्स, एक और बेडशीट हैं, कुछ और पुरानी बेडशीट्स हैं. तो ऐसे यहाँ पर मैं बेडशीट रखती हूँ, ऊपर सारे थ्रो एंड ऑल, ये ब्लैंकेट वैंकेट ये सब रखा है. तो आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहे और हम लोग ये डाल के खाते हैं. और उसके बाद विक्की जी इज एंजॉयिंग हिज टी विद पार्ले जी बिस्किट. ओके गाइस, आई एम डन विथ माई ऑल वर्क. लाइक जो मॉर्निंग कुकिंग होती है वो हो चुकी है, मेरा जो थंबनेल एडिट है वो हो चुका है, वीडियो लाइव हो चुका है एंड इट्स 12:15 राइट नाउ. तो मुझे जाना है अभी शार लेने के लिए. एंड अभी बहुत मस्त बारिश हुई है, मतलब एकदम खतरनाक डेंस क्लाउड वाली बारिश हो रही थी. अभी बारिश फिर रुक भी गई है. तो कुछ PR का सामान आया है तो मैं सोच रही हूँ वो भी अनबॉक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर शार लेने के लिए जाऊँगी. मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बोला भी था बट मैंने वो क्लिपिंग डालना भूल गई, तो वो मैं अभी यहाँ पर डाल दूँगी जो इयररिंग्स वगैरह आए हैं. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मुझे भेजे हैं मोर पंखी, एक इंस्टाग्राम स्टोर है, सो शी इज़ माई सब्सक्राइबर एज वेल. तो उन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी पीसेस भेजे हैं तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ. एक तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा झुमका है, ये इयररिंग है कुंदन के, अगेन काफ़ी सुंदर लग रहे हैं. नेक्स्ट है ये इयररिंग्स, काफ़ी डेंटी सा है पीस ऑफ इयररिंग है, वो है ये. और एक PR मेरे पास ये आया हुआ है जिसके लिए हम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि ये मुझे भेजा है दिव्या ने, मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगी, उनके पेज का नाम है. तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों पहले मैसेज किया था, तो हम लोगों का वही चॉइस सूट्स भेजे हैं मुझे उन्होंने, बहुत सुंदर. मतलब उनके पेज में इतने सुंदर सुंदर कौन सा बोलते हैं, चिकनकारी और ये सब जो सूट्स होते हैं ना, उसके सूट्स हैं, सूट्स आए हैं. तो वो अपन ओपन करते हैं, पहले मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ बिकॉज मेरे कैमरे की बैटरी जा, मेरे पास वैसे एक जो बैटरी इसमें लगी हुई है और इसके अलावा मेरे पास दो और बैटरीज हैं, तो रिप्लेस कर लेती हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ होता है तो. सो यस गाइस, आई एम बैक और अब हम यहाँ पर बैचेंगे, नीचे बैच जाते हैं. आपको दिखाती हूँ सारे जो सूट्स हैं. तो मैं अभी शार लेने के लिए जाऊँगी, उसके बाद
आई सी कि मैं इसको पहनती हूँ या डायरेक्टली पिक्चर्स जो है इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। तो ये है फर्स्ट सूट जो मैं आपको बता रही थी, मस्टर्ड एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का है। इसको मैं कैमरे की स्क्रीन को टिल्ट करती हूँ। सो दिस इज द सूट, काफी प्रिटी लग रहा है। आई मीन इसका ये जो घेर है ना, ये बहुत सुंदर है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है स्लीव से थोड़ा लूज है एंड यहाँ से थोड़ा सा लूज है, जिसको बहुत माइनर सा मुझे ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा। बट एनीवे सूट बहुत प्यारा लग रहा है एंड ये इसका बॉटम है, चूंकि वाइड लेग बॉटम है। बॉटम में जो पिंक कलर है उससे दुपट्टा बहुत सुंदर मैच हो रहा है। सो यस, आई रियली रियली लव दिस सूट। दुपट्टा कितना ज्यादा सुंदर है, मतलब छोटे मोटे पूजा फंक्शन में कॉटन है तो पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है एंड दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरे पास इस तरह का कोई पैटर्न नहीं था, तो दिस इज अ न्यू एंड यूनिक पैटर्न, आई रियली लव्ड इट। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट इज दिस जो ये जाली वाला सूट है, ये इतना सुंदर लग रहा है। अभी मैं एक्चुअली देखो ढंग से तैयार नहीं हूँ, प्रॉपर स्टाइलिंग करूंगी तो ये ओ माय गॉड, दिस लुक सो रॉयल, सो रिच, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं स्क्रीन को टिल्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द रेड सूट, इसको मैं और नीचे करती हूँ एंड नाउ सी दिस। इसका वर्क देखिए आप पास से, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है एंड ये इतना परफेक्ट आया है मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज स्पेशली फॉर मी ओनली। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसका शेप एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। अभी मुझे ये डिसाइड करना है कि इसके नीचे मैं रेड कलर का ही बॉटम पहनूं या व्हाइट कलर का पहन के दुपट्टा लूं, वो आई हैव टू फिगर इट आउट। बट ये इतना सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है एंड ये इसका घेरा है। तो ये है नेक्स्ट सूट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है। तो अब मैं आपको व्हाइट वाला सूट पहन करके दिखाती हूँ। इसका पास से जो काम हो रखा है वो देख लीजिए, बहुत सुंदर है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज दिस व्हाइट, दिस इज द नेक्स्ट सूट जो कि है व्हाइट वाला एंड ओ माय गॉड लुक एट दिस, कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये देखिए। This is so beautiful. मुझे उन्होंने, दिव्या ने बोला था कि आप कोई सा भी मल्टी कलर का दुपट्टा इसके साथ ले सकते हो, तो वो मैं लूंगी, थोड़ा हैवी सा कुछ, बट ये ऐसे भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये ना प्रॉपर जो इयररिंग्स वगैरह जब मैं पहनूंगी और इसको रेडी होंगी तब ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो यस, ये है मेरा नेक्स्ट सूट, हाईली हाईली रिकमेंडेड, अमेजिंग, बहुत अच्छा काम है सब में। ओके गाइज, सो एक्चुअली मैं जस्ट कट डाउन कर रही हूँ अपने वीडियो से यहाँ पर। सो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माई सब्सक्राइबर, सो उसका आई थिंक वो बेक करती है केक्स वगैरह एंड यू नो ऐसे ब्राउनीज वगैरह बनाती है। तो उसका इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था एंड शी लिटरली रिक्वेस्टेड मी कि आप प्लीज़ नीचे आकर के मिलिएगा मुझसे एंड ऑल दैट। तो वो मेरी बिल्डिंग के नीचे आ रही है एंड इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप बारिश देखो कितनी फुल स्पीड में है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वो अभी यहाँ पर नीचे आ रही है, मतलब वो यहाँ तक पहुँच गई है पास में, उसको मिला नहीं होगा, तो मैं नीचे जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो जो श्रुति है वो ऊपर आ रही है, विक्की ने बोला है कि उसको ऊपर बुलाओ, अच्छा नहीं लगता इतने बारिश में वो घर आई है एंड हम ऐसे नीचे जा रहे हैं, मतलब मैं नीचे जाऊँगी तो उसको मैंने ऊपर ही बुला लिया कि आ जाओ, उसको पिक्चर्स वगैरह भी चाहिए मेरे साथ। सो ये ओके गाइज, तो श्रुति आ चुकी है सारी चीज़ें लेकर के और ये जाने वाली थी, तब मुझे याद है कि आई हैव टू व्लॉग एक्चुअली, से हाय श्रुति, हाय। इतने बारिश में ये आई है, सबसे बड़ी बात तो वो है और दूसरी चीज़ ये मुझे बोलती है आप डाइट कर रहे हो ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग, मैंने कहा है कौन सा डाइट कर रही हूँ मैं भाई, तो मतलब ये बिल्कुल मैदा वैदा यूज़ नहीं किया इसने, ओट मील, वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर। तो थोड़ा अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो कैन ऑर्डर फ्रॉम हर ये, और अभी मैं खा करके रिव्यू ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच श्रुति, इसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मुंबई में सारा जगह डिलीवरी, ओके सो चलो कैसा है, रेड वेलवेट है क्या ये, प्रीटी गुड। अभी मुझे इन सारे सूट्स की घड़ी भी करना है, सो यस, आज का जो वीडियो है वो यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।